नेचुरल प्राकृतिक है। हमारा करण संगठन पिछले 4-5 सालों से काम कर रहा था और 4-5 सालों में जिन कार्यकर्ताओं ने साथियों ने बहुत मेहनत करी है, ये हमारे पास अब मौका है कि उनको पदोन्नति दी जाए। जिन साथियों ने गांव देहात में बहुत मेहनत करी है उनको विधानसभा लेवल पर लेकर आए, जिन्होंने विधानसभा लेवल पर बहुत मेहनत करी है उसको हम लोकसभा जिले लेवल पर लेकर आए। और साथ ही में यदि आपने देखा हो, जब से हमने पंजाब जीता है, जब से हमने दिल्ली जीता है, तब से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइनिंग भी करी है, अभी तक हमने उनको उनके काम विभाग एलोकेट नहीं करे हैं। तो ये एक हमारे पास वक्त है जहाँ पे पुराने साथी या नए साथियों को हम उनकी क्षमता कैपेसिटी इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग पोजीशन दी जाए। और ये ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, यदि आप हमारा गुजरात का देखें, हिमाचल का देखें, पुराना संगठन को हमने डिसॉल्व किया था और फिर फ्रेश एनर्जी के साथ फ्रेश संगठन को हमने अनाउंस किया था जिसमें पुराने और नए साथी दोनों ही थे। सर, आपके साथियों में ये संशय है कि जो पुराने साथी शायद उन्हें दोबारा मौका मिले ना मिले? ये उन्हीं साथियों को संशय होना चाहिए जिन्होंने काम नहीं किया। यदि जिन साथियों ने काम किया है आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, जिन्होंने मेहनत करी है, जो आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सबको पोजीशंस में संगठन में अकोमोडेट किया है। देखिए नया फेसेस जो ईमानदार है, जो जनता के लिए काम कर रहा है, और बिल्कुल उसको, और आम आदमी पार्टी तो खुद ही नई फेसेस की पार्टी है, तो जरूर देखने को मिलेंगे। बड़े नेता जो थे वो आपकी पार्टी का दामन थामा पिछले दिनों की बात कर दिल्ली में जाकर दामन थामा, अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो किनाराकशी कर सकते हैं, ऐसी संभावना भी दिख रही है। देखिए ये तो हम कभी मानते नहीं है कि टिकट नहीं मिला तो किनाराकशी करें। हमारी पार्टी में बहुत पहले से कहते हैं आप टिकट के लिए आए हैं तो मत आइए, ये तो बहुत स्पष्ट से हम डे वन से कह रहे हैं, यदि आप पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए आए हैं तो मत आइए। फील्ड में सर्वे होता है हमारी पार्टी में, सर्वे में जो लोग सबसे ज्यादा व्यक्ति का नाम ले देते हैं उसको टिकट मिल जाता है, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो चाहे वो MLA हो। हमारा पंजाब में हमने टिकट दिया, मोबाइल ऑपरेटर था उसको कौन जानता था, लेकिन छवि अच्छी थी, जिसकी छवि अच्छी थी उसको टिकट मिल गया। हाल ही में राघव चटर्जी को अनाउंस किया कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, लेकिन वो तक पहुंचे नहीं यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल जी का लोग इंतजार कर रहे हैं, वो कब तक पहुंचने वाले? बस इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जैसे ही हमारा संगठन नया अनाउंस होगा शपथ ग्रहण कराने अरविंद केजरीवाल जी आएंगे इसी महीने, बहुत जल्दी हम करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपकी इस पहल को चुनावी तैयारी मान लीजिए? और बिल्कुल दो राय इसमें नहीं है, ये सारी चीजें उसी लिए हो रही हैं। देखिए इलेक्शन का जो अल्टीमेट चीज होता है वो चुनाव है, तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, नई ऊर्जा, कार्यकर्ता, संगठन का निर्माण, ये सब चुनाव को मद्देनजर करते हुए। पार्टी का मेन फेस कौन रहेगा, मेन चेहरा कौन रहेगा, उसको लेकर भी पब्लिक तय करेगी, जो जो मेहनत करते जाएंगे वो फेस होगा। अभी हम कोई अभी हमारे पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, आप आ जाइए, आप बन जाइए, लेकिन आपको फील्ड में मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी पार्टी में बहुत से सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्या उनमें से कोई चेहरा आपके जहन में? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। देखिए भगवंत मान जी ने 7 साल पहले ज्वाइन किया था और 7 साल उस व्यक्ति ने मेहनत करी तब जाके चेहरा बना है ना, तो हम कहें कि भाई अभी किसी ने ज्वाइन किया वो चेहरा बनना, ये कहना ठीक नहीं है। आपके पास टाइम पड़ा हुआ है 6-7 महीने, सभी के लिए मैदान खुला हुआ है, नए कार्यकर्ता के लिए, पुराने कार्यकर्ता के लिए, आप मेहनत करिए, पब्लिक के साथ सर्वे कर। भगवंत मान को कैसे चुना गया था, 4 दिन हमने हेल्पलाइन खोली थी, आप कॉल करिए, जिसको आप सबसे ज्यादा कहेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री चेहरा होगा। सिमिलर हम जम्मू कश्मीर के लिए भी कर सकते हैं। सर, लेकिन जो पंजाब है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर जो है वो सवाल, देखिए ये तो प्राकृतिक है चीज़ें, यदि आप देखें ग्राफ ऊपर जाता है नीचे जाता है, फिर हम अपनी एनर्जी कॉन्सोलिडेट करते हैं, फिर से आगे जाते हैं, है ना, तो ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक किसी कैंपेन को एक ही एनर्जी पर रखना ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो एक बार ग्राफ उठता है फिर नीचे जाता है फिर उठता है फिर नीचे जाता है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। सर, लेकिन पंजाब की बात करें वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सवाल है, उनका क्या कहना? नहीं, उस पर ऑलरेडी चीज़ें काम कर रही हैं, भगवंत मान जी रेगुलर मीटिंग्स ले रहे, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच भी उस सारी चीज़ें दी हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं जो अब सारे सिक्योरिटी इशूज़ हैं। जब से आपने देखा हो पिछले ऑफ लेट हमारी बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ इस चीज़ पे हुए हैं और एक्शंस भी हुए हैं, तो आई एम श्योर ये बहुत जल्दी चीज़ें नियंत्रण में आ जाएंगे। माना जा रहा है कि गुजरात में थे, पिछले हिमाचल में थे और जम्मू कश्मीर में उनका नंबर है आने का। सर, क्या इलेक्शंस के लिए आपकी पार्टी ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है या फिर अभी फिलहाल हवा हवाई बातें कर रहे हैं? नहीं, हम देखिए कम से कम ये चीज़ तो मैं आपको आम आदमी पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि हवा हवाई बातें नहीं करते। हमारी बैकेंड पे मशीनरी बहुत मेहनत से काम करती है, जम्मू कश्मीर भी हम बहुत दिन से हैं, तो ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर गाँव गाँव तक पहुँच गया है, है ना। जिस दिन हमें खुद लगा हम हवा हवाई में बात कर रहे हैं, हमको जम्मू कश्मीर छोड़ देंगे। वाला मतलब ये उम्मीद कर ले कि आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी 100% विदाउट डाउट। शुक्रिया।